रांची में एक विवादित पोस्ट को लेकर कोर्ट की चोट हुई। लड़की को कुरान बांटने का हुक्म दिया गया, लेकिन ये खबर आगे बढ़ चुकी है। लड़की ने फैसला मानने से मना कर दिया है और अब धर्म गुरु से लेकर नेता तक मैदान में कूद चुके हैं। मात्र एक विचार है किसी धर्म के प्रति, एक विचार किसी ने रखा, इस बच्ची ने उसको शेयर कर दिया। वो शेयर करना इतनी बड़ी गुनाह हो गई अगर देखा जाए तो, जिसने लिखा है और उसके बदले में है, और साथ साथ उस बच्ची को जिन्होंने गालियां बकी हैं, जिसको बोलना समझाना तक मुश्किल है, इशारे में भी इतनी गंदी गालियां हैं, तो उसको भी जेल होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अपने में ये एक पहला एक ऐसा फैसला आया है कि जिसमें मैं न अपनी जुडिशियरी पे बल्कि मैं तमाम उन सभी लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह के जो फैसले होते हैं, इस तरह का फैसला आना, ये जोड़ पैदा करता है। धर्म कोई भी हो, मजहबी किताबें कोई भी हों, सारी मजहबी किताबें अच्छी बात सिखाती हैं। अदालत के फैसले का पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अदालत के इस एहसास पर कि उन्होंने कुरान या मुसलमानों या धार्मिक दिलाजारी पर एक फैसला दिया है, उसको लागू कराने न कराने का तो अधिकार अदालत का ही है या उससे बड़ी अदालत का। लेकिन दो गुनाह मेरे धार्मिक अकीदे के अतबार से जिन्हें अल्लाह माफ़ करेगा नहीं, उन दो गुनाह में एक गुनाह यह है कि कोई अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करे, कि पूजनीय अल्लाह के अलावा भी कोई है, एक इस पाप को माफ़ नहीं करेगा। और दूसरा पाप, अगर किसी ने बेवजह किसी का दिल दुखाया है तो उस गुनाह को भी माफ़ नहीं करेगा। एक बात तो बिल्कुल सिद्ध होती है कि आज कोर्ट्स भी ये महसूस कर रही हैं कि लोग कमनल पोस्ट करते हैं, इस तरह की पोस्ट करते हैं जिससे फिरकों के दरमियान, लोगों के दरमियान में तनाव पैदा होता है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ घृणा पैदा की जाती है। आम लोगों को और ख़ास लोगों को, आम लोगों को आम तौर पर इससे बचना चाहिए और ख़ास लोगों को ख़ास तौर पर इससे बचना चाहिए। इसका नतीजा एज ए होल सब जगह दिखाई देता है, सड़कों पर नज़र आता है गुस्सा, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इमीडिएटली जो रिएक्शंस आते हैं वो देखिए आप क्या होते हैं। तो ये जो एक गुस्सा समाज में पैदा किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पर समाज की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब है। और अब बात कुलभूषण जाधव की, जिन पर आज फैसला आना है। आज पाकिस्तान के झूठ पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट अपना फरमान जारी करेगा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआएं कुलभूषण के साथ हैं। आज पाकिस्तान के झूठ का होगा पर्दाफाश, दुनिया के सामने खुलेगी पाकिस्तान के दावों की पोल। आज मिलेगा कुलभूषण जाधव को इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट सुनाएगा कुलभूषण की रिहाई का फरमान। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर पिछले 3 सालों से चली आ रही जंग में आज इंसाफ का दिन है। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में आज फैसला सुनाएगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई है। पिछले 3 सालों से पाकिस्तान में यातना झेल रहे कुलभूषण के साथ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं, जिन्हें उम्मीद है कि कुलभूषण वापस हिंदुस्तान लौट कर आएंगे। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे सार्वजनिक सुनवाई होगी, जिसमें प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल कावी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे। 16 जजों की बेंच फैसले में शामिल है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के जज भी शामिल हैं। लीगैलिटी को अगर अपन साइड में भी रखें तो बेसिक उसे सबसे पहले किसी प्रिजनर को उसका लीगल काउंसिल मिलना चाहिए। कुलभूषण जाधव को जब वही नहीं मिला तो दिस इज वॉइड एब इनिशियो, ये स्टार्टिंग से ही वॉइड नहीं है, वैलिड है ही नहीं। अगर इंडिया के फेवर में जजमेंट है और वो ये नहीं फॉलो करते हैं, उनके लिए इंटरनेशनली अपना स्टैंड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने कुलभूषण को 2016 में ईरान से किडनैप किया था, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसे बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई की, जासूसी और आतंकवाद का दोषी करार देते हुए अप्रैल 2017 में कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई। भारत ने मई 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला उठाया। फरवरी 2018 में ICJ में 4 दिन सुनवाई चली, जहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाई गई। पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा उस वक्त पूरे विश्व के सामने आ गया जब जाधव से मिलने गई उनकी माँ और पत्नी की मुलाकात के दौरान जाधव को मराठी में बात नहीं करने दी गई। हद तो तब हो गई जब दोनों महिलाओं के कपड़े बदलवा दिए गए।
यहाँ तक कि उसकी माँ और पत्नी के जूते, चूड़ी और मंगलसूत्र तक उतरवा दिए गए थे, जिसके बाद भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मुलाकात के नाम पर कुलभूषण और उनके परिवार के बीच शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। अब बारी है इंसाफ की, एक माँ के बेटे को वापस हिंदुस्तान लाने की। कुलभूषण की फांसी पर रोक लगवाकर भारत आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका है। आज करोड़ों हिंदुस्तानियों को उम्मीद है कि पाकिस्तान के झूठ की हार होगी और कुलभूषण रिहा होकर वापस हिंदुस्तान आएंगे। है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत कुलभूषण जाधव मामले पर शाम को अपना फैसला सुनाएगी। क्या अदालत का ये फैसला कुलभूषण जाधव की रिहाई और सलामती का रास्ता खोल पाएगा? हेक से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।